होप कि सारे बढ़िया होंगे। तो भाई लोग हम निकल चुके हैं अपना चौथा ब्लॉग शूट करने चंडीगढ़ के नैपली फॉरेस्ट में। हमने भाई उसके बारे में पढ़ा एंड थोड़ा रिव्यू देखा तो मतलब हमें काफ़ी अच्छा जगह लगी। वो 3 किलोमीटर के एरिया में है तो काफ़ी मस्त जगह है भाई, वहाँ पे काफ़ी कुछ अंदर देखने को। तो हम भी खुद वहाँ पे पहली बार जा रहे हैं, तो चलो भाई लोग हम लोग एक साथ एक्सप्लोर करते हैं अपना चंडीगढ़ का नैपली फॉरेस्ट। और तब तक के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहो, हम बस पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में, क्योंकि मेरे घर से नैपली फॉरेस्ट का रास्ता सिर्फ 10-15 मिनट दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा नैपली फॉरेस्ट केतड़ी शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ता है, तो अगर कोई भी भाई लोग अपना लोकल है तो वो यहाँ पर आ सकता है और मज़े कर सकता है। एंड भाई लोग रिमेंबर कि यहाँ पे आने से पहले आपको परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट उस परमिट के यू कैंट एंटर हेयर, ठीक है भाई लोग। तो यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट परमिट 1 डे अर्लियर बिफोर कमिंग हेयर। एंड भाई लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे आप यहाँ पर आने के लिए परमिट अप्लाई कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट है एंड क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, एंड कितनी चार्जेस है एंड कितनी फीस एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। तो भाई लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक बार वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे आने से पहले, बिकॉज बिना इस परमिट के यहाँ पे एंट्री नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। तो भाई लोग चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपना नैपली फॉरेस्ट की तरफ, तो लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नैपली फॉरेस्ट के मोड़ की तरफ, अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और बिल्कुल सामने है हमारा नैपली फॉरेस्ट। ये देखो बोर्ड भी आ गया, सिर्फ यहाँ से 100 मीटर सामने। और भाई ये आ गया है हमारा फाइनली नैपली फॉरेस्ट। तो भाई लोग चलो अब पास वगैरह निकालते हैं पहले हम। तो भाई लोग अभी एंट्री चल रही है यहाँ पे, अपने जगजीत भाई एंट्री कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट इसके एंट्री नहीं है। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के। एंड ये है अपना फाइनली नैपली फॉरेस्ट, वेलकम टू सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई लोग हमारी एंट्री हो चुकी है, तो अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई लोग हमारी एंट्री हो चुकी है और ये आ गया अपना इंस्पेक्शन हट नैपली का। ओ भाई साहब ऑफ रोडिंग भाई स्टार्ट हो चुकी है अपनी फाइनली, चांद का रास्ता। ओह भाई, अरे भाई यहाँ तो बड़े सोने सोने फूल है भाई, भाई साहब बंदे ने कहा कि अंदर डैम वगैरह है यहाँ पे। भाई हमें बाहर बता रहे थे डैम वगैरह है यहाँ पे, अभी हमें फिलहाल कुछ दिखा तो है नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं, डैम सूख गई है। सारी डैम सूख चुकी है भाई लोग, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भाई लोग ये सबसे पहले एंट्री रोकला है वो पार्किंग है होते। तो भाई लोग हमारा स्वागत हो रहा है। तो भाई लोग हम अंदर आ चुके हैं, हाँ जी ब्लॉग शूट कर रहे हैं। वीडियोग्राफी लाउड नहीं है, अंदर लोड नहीं है। नहीं, अच्छा जी, इंच कर नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते, अच्छा अभी चक्कर है, यहाँ पंगा पड़ गया भाई, यहाँ पे अंदर ना वीडियोग्राफी लोड नहीं है, बट हम फिर भी भाई चुप चुप के हम कर रहे हैं भाई। उन्होंने भाई हमारा गोप्रो भी ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, कहा है कि सिर्फ यहाँ पे फोटोग्राफी लोड है। तो भाई फिर अब क्वालिटी कम होने वाली है भाई ब्लॉग की, क्योंकि हम भाई फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई लोग हमें चलते हुए 5 मिनट हो गए अभी आराम से। यहाँ पे कुछ दिखा नहीं है हमें भाई, कुछ नहीं दिखा यहाँ पे हमें भाई, बस यहाँ पे हमें रास्ता दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं भाई, और कुछ नहीं दिख रहा है भाई। इमली वाला, अच्छा डैम है भाई, डैम इमली वाला डैम। चलो भाई चलते हैं इधर को, डैम नंबर 1 एंड 2 देखते हैं जाके। तो भाई यहाँ पे डैम है एक, कुछ हमें दिखा यहाँ पे शूट करने के लायक। तो चलो भाई लोग डैम देख के आते हैं, इमली वाला डैम का नाम सुनो आप, इमली वाला ऐसी भाई नाम क्या क्या सोच के नाम रखे उन्होंने इमली वाला।
तो जी क्या हुआ भाई, अंदर तुम वीडियो नहीं बना सकते भाई, हम फोन में तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बताओ अंदर फोन अलाउड है और कैमरा वगैरह भाई अंदर अलाउड नहीं है, बताओ हद हो गई, खतरनाक है यहाँ का। चलो चलो भाई धीरे धीरे चलते चलो। फाइनली हमारी डैम आ चुकी है भाई, ये देखो भाई इमली वाला डैम। ओ भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ आज भाई, यहाँ पे पैरों के निशान है भाई किसी जानवरों के, ये देख भाई खड्डा सा पड़ रखा है यहाँ पे। भाई क्या स्कैम हो रहा है हमारे साथ आज, ये देखो भाई डैम कितनी सुंदर। तो भाई लोग अभी हमें तक कुछ नहीं मिला भाई, हमारा भाई ब्रेकफास्ट भी हजम हो गया। ये क्या यहाँ पे डैम नंबर वन भाई, चल चल भाई बाढ़ ले अंदर बघेरी वाला भाई, देख के आते हैं डैम। पहले डैम तो भाई बहुत सुंदर थी हमारी, इतनी बढ़िया डैम भाई, आराम से भाई भाई एक्टिवा हिल रही है हमारी भाई। पहले डैम इतनी सुंदर, मैं कह रहा हूँ मैंने लाइफ में आज तक इतनी बढ़िया डैम देखी भाई, जितनी बढ़िया डैम वो थी भाई, लोग मैं क्या तारीफ करूँ उस डैम की, इतनी बढ़िया डैम। ये क्या भाई रास्ता बंद डैम का, लो भाई तुम्हें डैम दिखा के लाते हैं आ जाओ। देख लो भाई डैम। तो भाई लोग बघेरी डैम हम देख के आ चुके हैं, बहुत सुंदर डैम थी भाई बहुत ही ज़्यादा। ये भाई पानी और फ्लो हो गया यहाँ पे, वो भाई इतना इतनी बढ़िया जगह भाई, भाई हमारी सारी एक्साइटमेंट मर गई भाई, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, बर्बाद है भाई पैसा बर्बाद, 140 रुपये बर्बाद कर दिए हमने, आग लगा दी। तो भाई लोग नहीं टाइम रिक्वायर्ड थी यार देखने वास्ते चंगी तरह, डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर है सारा ही, फिर थोड़ा हो 8 किलोमीटर फिर क्या हो गया जान दे, इधर जाऊंगा सीधा जाऊंगा, पहला इधर ही चलते हैं, पहले सीधा चल देंगे, चल फिर पहले सीधा चलिए। तो भाई लोग हम यहाँ पे बाद में आएंगे, कैमरा बंद कर ले। तो भाई लोग फाइनली पहुंच गए हैं, हम पहुंच चुके हैं कुछ ढंग की जगह पे, 3-4 डैम क्रॉस करके हमें कुछ ढंग का दिखा यहाँ पे भाई, मेरे ख्याल से कोई पार्क वगैरह है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई कि क्या है अंदर घूमने लायक, और तो भाई कुछ नहीं दिखा हमें अभी तक यहाँ पे। एक वहाँ से पीछे से एक रास्ता मुड़ा था लेफ्ट साइड को, वो कुछ नेपली की कोई हट हुट थी, वहाँ पे लिखा था कि 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पहले हम सीधा ही आए, देखते पहले कि यहाँ पे है क्या। तो भाई देखो जगह तो बहुत बढ़िया भाई, ये खेलने खुलने के लिए है ना भाई, फुटबॉल खेल लो यहाँ पे आके आप, क्रिकेट खेल लो भाई, बहुत मस्त जगह भाई। जगजीत भाई भाई लोग इतने 15 मिनट वेस्ट करके हम कहीं ढंग की जगह पे आए हैं भाई, देखो भाई कितनी मस्त जगह है, बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह, बहुत ही भाई मतलब फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, एक्सरसाइज के लिए भाई बहुत बढ़िया है। और भाई यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो भाई जो आपकी इच्छा हो। तो भाई लोग हमें फाइनली एक और डैम मिली है, ये डैम का नाम है कैंडियल वाला डैम नंबर वन। भाई डैम नंबर वन ख़त्म ही नहीं हो रही, बस चल तू। तो भाई लोग अब हम लोग जा रहे हैं अपना चुनौतियों से भरा सफ़र के पहले इम्तिहान की तरफ, इतनी खतरनाक पौड़ियाँ चढ़ते हुए। ये देखो हमारे जगजीत भाई, भाई ऊपर से पानी ना छोड़ दे ये लोग जो ऊपर डैम ना हुई ना भाई जगजीत भाई को भाई गुस्सा आ रहा है भाई, रास्ता पानी का आयो लग रहा है, मन स्कैम भाई, ये री डैम भाई डैम ओ रे भाई डैम ओ भाई डैम में फर्क नहीं पता भाई, सांस चढ़ गया भाई, वो देखो भाई कहाँ से आ रहे हैं हम पीछे से घूमते हुए भाई, यहाँ पे तो भाई कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे। आओ भाई थोड़ा और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर क्या है, आ जाओ जगजीत भाई, ओ मेरे भाई
ओ भाई हट है ऊपर, आ जाओ आ जाओ, कुछ दिखा मुझे ऊपर। ये देखो हमें कुछ मिला यहाँ पे। ये भाई सबसे एंशियंट चीज़ है यहाँ की। ये जो सा थड़ है ना भाई, ये भाई 200 साल पुराना है भाई। ये भाई बन रखा है अंग्रेजों के टाइम का। ये मैंने पढ़ी थी इसकी हिस्ट्री, इसकी भाई मैंने पढ़ी थी हिस्ट्री इसकी। ये 200 साल पुराना है भाई, मानो या ना मानो। भाई कुछ नहीं यहाँ पे भाई, चलो भाई वापसी। भाई कुछ नहीं यहाँ पे भाई, चलो भाई वापसी। फुल एचडी ब्लॉग्स। तो भाई लोग अभी आप हम वहाँ से आए पीछे से और हमें भाई इतना मज़ा आया ऊपर, क्या बताऊँ। मैंने आपको दिखाया ही होगा है ना, व्हाट अ वंडरफुल व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज, क्या बताया आपको भाई। तो भाई चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या है ऊपर। तो चलो भाई लोग अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं वहाँ पे क्या है। अब तो भाई लोग फाइनली हम अपनी प्यारी डैम के पास आ चुके हैं। और ये देखो भाई डैम, और ये भाई हट। तो भाई क्या करना है अब, क्या प्लान आगे का भाई? आत्महत्या करनी है कि भाई हमने जिंदा रहना भाई। 140 रुपये खर्च करके भाई हम आए भी और हमें भाई कुछ मिला भी नहीं, कुछ नहीं है भाई। बताओ भाई क्या करें। तो भाई लोग चलो हम अपनी हट को करते हैं अलविदा और चलते हैं आगे की तरफ, नैपली हट की तरफ। अब देखते हैं वहाँ पे क्या है। तब तक के लिए आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करते रहे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारा ब्लॉग देखते रहो भाई लोग। तब तक के लिए अब हम लोग चलते हैं अपना नैपली हट की तरफ और देखते हैं वहाँ पे कि क्या क्या है वहाँ पे। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिवाय हट और डैम के कुछ नहीं है। बस यहाँ पे भाई रिजॉर्ट्स है और यहाँ पे एकदम सन्नाटा हो रखा है भाई। यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले बंदे ही है और कोई नहीं है भाई उनके अलावा। यहाँ पे सिवाय हमें हट्स के और पार्क के और डैम्स के हमें कुछ नहीं मिला भाई। तो भाई यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो आओ, बट अगर आप यहाँ पे उस मोटिव से आ रहे हो, घूमने के मोटिव से कि हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे घूमेंगे, तो भाई मत आना। बट अगर आपको अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी है, कोई वीडियो वगैरह शूट करनी है, आप कपल हो तो भाई आप लोग आ सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए। तो आपके लिए भाई सबसे बढ़िया जगह है ये, मैं कहूँगा। तो बाकी आपने हमारे ब्लॉग में देख ही लिया भाई कि क्या क्या यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या नहीं है। आपने हमारे ब्लॉग में देख ही लिया भाई कि क्या क्या यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या नहीं है। तो बाकी गाय से एक जगह और रह गई है यहाँ पे, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी देख के आते हैं कि भाई है क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ घूम लिया है, बस अब हमारा वो रह गया है घूमने के लिए। तो भाई लोग वो देख के आते हैं और फिर हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो तब तक के लिए बने रहो वहाँ, देखते हैं अगर कुछ मिला, देखते रहो। फिलहाल तो अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तक हमें फिलहाल बाबा जी का ठुल्लू मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलो भाई लोग, किलोमीटर से आगे भी है कुछ नहीं। तो भाई लोग ये आ गया है हमारा कंसाल का लोगहट। अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वो नैपली हट था भाई, ये कंसाल का लोगहट है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं डिस्टेंस ये 8 किलोमीटर एंड टाइम 3 घंटे का। तो भाई लोग चलो अब हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना कंसाल के लोगहट की तरफ। कि पिछले साल बाढ़ आई थी तो रास्ता हट गया है। भाई लोग आप देख सकते हो वो दिखा रहे थे 8 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए कि अगर आपने पैदल जाना है तो आपको लगेंगे 3 घंटे, और हम लोग आ गए थे एक्टिवा पे। तो भाई देखो यहाँ से रास्ता आगे पैदल वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। तो एक्चुअली इसके 2 गेट, एक कांसल की तरफ से आता है गेट और एक नैपली की तरफ से आता है। तो अब हम लोग भाई अपने
दूसरे ब्लॉग में कांसल वाले गेट से एंटर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कांसल का प्यारा सा हट। अभी के लिए हम लोग वापस जा रहे हैं अपने नैपली हट की तरफ और वहाँ से हम लोग अब घर की तरफ रवाना होंगे। तो गाइस चलो अब हम लोग आपको मिलते हैं अपने नैपली हट के मोड़ पे। हम लोग आ चुके हैं अपना नैपली फॉरेस्ट एक्सप्लोर करके। आप लोगों ने भी देख लिया है व्लॉग में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैं फंस है भाई, ज़्यादा वर्थ नहीं है जिस हिसाब से हम गए हैं, कुछ नहीं है देखने के लिए। हाँ बाकी भाई अगर आप फैमिली हो पिकनिक के लिए जाना चाहते हो भाई बहुत मस्त जगह है। अगर आप कपल हो थोड़ा रोमांस वगैरह के लिए जाना चाहते हो भाई तब भी बहुत मस्त जगह है भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, व्लॉग देख लेना भाई। चलो हम आज अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के कर दो, जो करना बस कर दो और अपना प्यार दिखाओ। और भाई लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाओगे भाई तभी आपके पास हमारी सारी वीडियोस आएगी। तो भाई चलो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ओके बाय।